सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर जो अभी चल रहा है पर्टिकुलरली, तो उसमें देखा गया काफी जो चाइल्ड है, काफी बच्चे जो है अभी विंटर सीजन में देखकर स्टिक नेल्स है, ये रूमेटिक आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स उनमें बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में आ रहे चाइल्ड पेशेंट उस बारे में। विंटर सीजन में पर्टिकुलरली दो प्रकार के ज़्यादा पाए जाते हैं बच्चे जिनमें वात की बीमारियाँ रहती है। एक तो रहता है जिसको हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस या तो JIA ऐसा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो बॉडीज जो तैयार होती है शरीर में, उसके कारण वो हमारे जॉइंट्स के अगेंस्ट एक्ट करती है, एंटीबॉडीज हम जिसको बोलते हैं, और वो जॉइंट्स का स्वेलिंग कॉज करती है। तो ये बच्चों को जल्दी डायग्नोज करना जरूरी है, क्योंकि इनको अगर सही टाइम पे अगर इलाज इनका किया जाए तो ये बच्चे काफ़ी हद तक इनके जॉइंट्स को खराब होने से बचाया जा सकता है। दूसरा जो कॉमनेस्ट कारण हम जो देखते हैं इस सीजन में वो है, उसको हम इडियोपैथिक साइनोवाइटिस बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को अगर पहले अगर कभी डायरिया हुआ हो या डिसेंट्री लगी हो या किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडीज कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म करती है, यानी हम प्रतिजैविक जिसको बोलते हैं, ये प्रतिजैविक कभी कभी हमारे ही जॉइंट्स के अगेंस्ट एक्ट करना चालू करते हैं और फिर सांधे की थैली की सूजन हो जाती है। ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी रहती है, इसके लिए यूजुअली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है। यूजुअली 2 से 3 सप्ताह में सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है और बच्चे की लचक भी कम हो जाती है। तो इसके लिए भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सही तरह से डायग्नोसिस नहीं हो जाए तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक या बाकी चीज़ें बच्चा ले लेता है या फिर वात की दवाइयाँ ले लेता है जिसकी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि यह सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन रहती है। तो ये दो मुख्य तौर से बीमारियाँ पाई जाती है। सर आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जिनको इसके जो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, जिनकी एंटीबॉडीज ज़्यादा विकसित हो रही है, ऐसे जो बच्चे हैं ये लोग क्या करते हैं, इनके पेरेंट्स अपने पेन किलर टेबलेट्स देते हैं, इसके बावजूद भी वो कुछ रिकवर हो नहीं पाते हैं और सनरेस का जो एक्सपोजर वो भी नहीं मिलता उनको, तो इसमें एक प्रकार से विकलांगता आ सकती है उस घर में। हाँ, अगर हम बच्चे को अगर जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थोसिस है या तो आर्थराइटिस अगर है तो उसको डेफिनेटली विकलांगता आ सकती है, तो इसलिए उसका प्रॉपर सही ढंग से इनिशियल स्टेज में इलाज होना जरूरी है। दूसरा, जैसे आपने विटामिन डी की बात कही, तो विटामिन डी का भी डेफिशिएंसी एक हमारे पर्टिकुलरली देश में एक इम्पॉर्टेंट कारण है डिसेबिलिटी का। बिकॉज क्या हो रहा है कि आजकल बच्चों की स्कूल सुबह जल्दी चालू हो जाती है, तो बच्चे को सुबह स्कूल जाना है, वो धूप में खेलता ही नहीं है, फिर दिन भर वो थक के जब वापस घर आता है फिर उसकी शाम की ट्यूशन रहती है, उसके बाद में रात को घर सो जाता है, तो बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। अगर बच्चे को अगर सनलाइट नहीं मिले और अगर डाइट में भी अगर बिल्कुल अगर शुद्ध शाकाहारी है, अगर बिल्कुल अंडा या बाकी चीज़ें जिससे विटामिन डी मिलता है वो अगर ना मिले, तो बच्चे को विटामिन डी की शरीर में कमतरता हो जाती है, जिसके कारण हड्डियों का कमजोर होना, ढांचा कमजोर होना चालू होता है और बच्चे को डिफॉर्मिटीज निर्माण होना चालू होती है। तो विटामिन डी की भी एक डिफिशेंसी एक हमारे देश में बहुत कॉमन कारण है जिसके कारण बच्चों को डिसेबिलिटी डेवलप होती है। सर जैसे कि हम जानते हैं कि डिसेबिलिटी डे है, तो पर्टिकुलर किस तरह का प्रिवेंशन होना चाहिए, किस तरह का प्रिवेंशन रखना चाहिए उस बारे में। 3 दिसंबर पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है ताकि डिसेबिलिटी के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। हमारी जो मेरी जो स्पेशलिटी पर्टिकुलर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक कंडीशन, इसमें क्लब फुट एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जब पैदा जो होता है तो जन्म से उसके पैर ऐसे अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं। अब ये जो बीमारी है ये कम्प्लीटली ठीक होने वाली बीमारी है, मतलब बच्चे को हम पूरी तरह से अपंगत्व से इसके लिए मुक्त कर सकते हैं। तो बच्चों को मतलब पेरेंट्स को ये अवेयर होना जरूरी है डिसेबिलिटी डे के दिन कि कई डिसेबिलिटी ऐसी है जो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, जैसे हिप जॉइंट का डिसलोकेशन होना, जन्म से बच्चे का हिप जॉइंट बाहर रहता है, ऐसी कई सारी बीमारियां रहती है जो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले सही समय पे डॉक्टरों को दिखाना जरूरी होता है। साथ साथ जैसे हम डिसेबिलिटी में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल आता है वो है सर्वाइकल पाल्सी का। तो सर्वाइकल पाल्सी मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उस टाइम पे उसके मस्तिष्क को सही प्रमाण में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है और उसके कारण मस्तिष्क का डैमेज होने के कारण बच्चे को हाथ पैर में कड़कनेस रहता है, स्टिफनेस रहता है, या हम जिसको हम स्पास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनको अगर सही ढंग में अगर बचपन से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, फिजियोथेरेपी मिले, हमारा गाइडेंस मिले, स्प्लेंट्स मिले और सही वक्त पे उनको सर्जरी अगर मिले, तो ये बच्चे भी डिसेबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं या काफी तक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। सर्वाइकल पाल्सी को हम पूरा क्योर नहीं कर सकते लेकिन कम से कम बच्चे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आज के दिन वर्ल्ड डिसेबिलिटी के दिन ये भी जानना जरूरी है पेरेंट्स को कि ये बच्चों को भी ठीक किया जा सकता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, तो ये जागरूकता होना बहुत जरूरी रहता है। सर काफी बच्चे देखा गया कि जो मैदानी खेल खेलते हैं उनमें लिगामेंट इंजुरी निर्माण होती है,
या आप जो ऑर्थोस्कोपी के भी प्रॉब्लम आती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंजरी जो आती है जिसके कारण इंसान को अपंगत्व या तो डिसेबिलिटी निर्माण हो सकती है। और बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजुरीज ऐसी है या कोई भी ट्रॉमा के कारण बच्चे को अगर हड्डी टूट जाती है तो मेजोरिटी बीमारियां आज के डेट में इतने अच्छे टेक्निक्स अवेलेबल है कि काफी हद तक ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं या भविष्य में मालूम भी नहीं पड़ता कि भाई किस प्रकार की कोई इंजरी इसको बच्चे को हुई होगी। तो लेकिन वही है कि सही डायग्नोसिस होना और सही समय पे इलाज होना बहुत जरूरी रहता है उसके लिए भी। शहर विदर्भ और अंतर्राज्य दर्शक डॉक्टर सुंदर सर आपको लाइव देख रहे हैं, जैसे कि आपने काफी इन्फॉर्मेशन दी है हम लोगों को नोटेबल इन्फॉर्मेशन, तो आपका जो फोन नंबर है और आपका जो एड्रेस है हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे देख के पेरेंट्स आपको कभी भी संपर्क कर सकते हैं या इवन विजिट भी कर सकते हैं। जरूर। तो डॉक्टर शिंगाड़े सर चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि देखा गया कि जो काफी बच्चे जो ओबेसिटी है ओबेस रहे थे बच्चे उनमें डायबिटीज 2 के काफी लक्षण पाए जाते हैं, तो आप बताइए डायबिटीज 2 उनको किस तरह से मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर करता है उस बारे में आप बताइए। देखिए अभी डायबिटीज का बच्चों में पहले भी प्रमाण था और अभी भी बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और इसका कारण यह है कि अभी ओबेसिटी भी काफी हद तक बढ़ रही है क्योंकि मैदानी खेल जो बच्चे खेल ही नहीं रहे। दूसरा डाइट जो है, डाइट का एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा अगर दिन भर टीवी या मोबाइल देखे तो वो मोबाइल या टीवी के इसमें खाते रहता है। पहले बच्चे खेलते थे तो जो जितना खाता था उतना कंज्यूम भी होता था। अगर आप जो खा रहे हो उसका शुगर और बाकी एनर्जी अगर कंज्यूम अगर नहीं होगी तो नेचुरली फिर आपको उसकी प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। अभी कई डायबिटीज जैसे आपने बताया तो उसमें कुछ जेनेटिकल रोल भी रहता है, उसके कोई कई चीजें बच्चे के हाथ में नहीं रहती है। लेकिन अभी इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे लाइफस्टाइल जो है ओवरऑल एनवायरमेंट में आए हुए बदलाव, वातावरण के बदलाव, पोल्यूशन और साथ साथ हमारी जो लाइफस्टाइल है, एक जमाने में बच्चा 90% टाइम खेलता था और बाकी बहुत कम समय में और बचे टाइम पे पढ़ाई या सो जाना इतना ही सीमित था। अभी ऐसे देखा है कि 90% टाइम बच्चे जो है वो जो है मोबाइल या टीवी या बाकी चीजों में लगे हुए हैं, तो उसके कारण भी ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसके कारण बाकी सारी बीमारियां भी बढ़ रही है। तो हमारा एक पेरेंट होने के नाते ये कर्तव्य है कि बच्चों को किस तरह से मैदानी खेलों की तरफ आकर्षित किया जाए, उसके तरफ हमने बच्चों को खींचा जाए, ये बहुत जानना और ये समझ लेना और उसके लिए मिशन को कॉन्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। दूरदराज के दर्शक डॉक्टर भूराज सिंह सर आपको लाइव देख रहे हैं, जैसे कि चिल्ड्रन ऑर्थोपेडिक केयर इंस्टीट्यूट के शहर में जाना माना नाम है नागपुर शहर में, काफी पेशेंट्स यहाँ आपके यहाँ से रिकवर होके गए, तो सर हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि वे विजिट करते हैं अपने हॉस्पिटल में तो किस तरह के स्पेशलिटी यहाँ उपलब्ध है या फैसिलिटीज उस बारे में। हम बेसिकली कैसा है कि हम लोग पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक में डील करते हैं, मतलब बच्चों की जो अस्थिभंग और न्यूरोलॉजिकल जो चीज़ें रहती है उससे रिलेटेड हम बच्चों को डील करते हैं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है कंजेनाइटल एनोमलीज, मतलब जो पैदा होती है बच्चे को जो बीमारियां रहती है जैसे कि क्लब फुट है या तो हिप जॉइंट का डिसलोकेशन है, बच्चों का इन्फेक्शन है, उसके बाद में ट्रॉमा मतलब फ्रैक्चर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सेरेब्रल पाल्सी, मतलब बच्चे को मस्तिष्क को डैमेज होने के कारण हाथ पैर के नसों को कड़क बनाना या जॉइंट में डिफॉर्मिटी होना। इनफैक्ट अभी ये इसके लिए हमने काफ़ी सारे हम कई ऑलमोस्ट 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ जो गरीब बच्चे हैं जो हम तक शायद नहीं पहुंच पाते उसके लिए हम कई सारे हमारे फाउंडेशन की तरफ से कैंप्स भी कंडक्ट करते हैं और उन बच्चों को हम लोग निःशुल्क सेवाएं देने की भी कोशिश करते हैं। जो बच्चे अफोर्डिंग नहीं है जो हम तक पहुंच नहीं पाते उनको, वो भी कार्य हमारा चलता है। हमारा एक इंस्पायर करके यूनिट है नागपुर में भी, जो बच्चों को यहाँ जो मतलब यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं रहती उसके लिए हमने रुकने की व्यवस्था कर दी है, जहाँ पेरेंट्स और बच्चा रुक सकता है उनके थेरेपी चलती है, उसके बाद में बच्चों के लिए स्पेशल पार्क गार्डन कई सारी चीज़ें बनी हुई है वहाँ का भी वो बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो विकलांग जो बच्चे हैं जो जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम रहता है उनको सर्जरी से रिलेटेड सारी सुविधाएं हमारे उपलब्ध है, तो सर्जरी उसके बाद में उनके लगने वाले उनकी थेरेपी, उनको लगने वाले स्पेशल उपकरण, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बच्चों के नीड के हिसाब से बनाने पड़ते हैं जो कहीं बनते नहीं है। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक विकलांग बच्चा या डिसेबल्ड बच्चा अगर हमारे पास में आ जाए तो उसको अंडर वन रूफ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो बच्चों को डिफॉर्मिटी नहीं आना चाहिए और बच्चे हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, तो किस तरह को उनकी अपने लाइफस्टाइल होनी चाहिए उस बारे में बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह साहब कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अभी जो देहात में भी बच्चे हैं वो भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मोबाइल टीवी पे लगे हुए, जो शहरी बच्चे हैं वो तो मोबाइल टीवी पे पहले आदि हो चुके हैं, तो ऐसा भी कुछ देहात या शहर में ऐसा ही नहीं रहा है। बच्चों को सबसे पहले तो यह है कि उनका जो मैदानी खेल है उसकी तरफ उनको ये किया जाए। आप अगर बच्चे की 7 बजे की स्कूल है तो 5 बजे उठो, 5 बजे उठ के बच्चे को बढ़िया कुछ खिलाओ,
उसको जाके कुछ खेलने दो, फुटबॉल खेलो उसके साथ, या कुछ नहीं कुछ तो क्रिकेट खेलो या जो भी उसके साथ में दौड़ लगाओ। उसके बाद में उनके स्कूल का है तो फिर उसके बाद में उनका डाइट की तरफ ध्यान दो, उनका सुबह उनका पोषण होना बहुत जरूरी है, उनको नाश्ता करके भेजिए। स्कूल से आने के बाद में भी उनको थोड़ा सा आधा एक घंटा जो है उनको प्रॉपर उनको डाइट की तरफ उनको ध्यान दिया जाए, और फिर जो दो तीन घंटे का समय उनका पढ़ाई का भी, ये उनका रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा अगर दिन रात अगर पढ़ाई के साथ साथ केवल बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी अगर रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसको मैदानी खेल की तरफ आपको ये करना, और डाइट में भी अच्छी चीजें देना जरूरी है, डाइट भी उनका बैलेंस डाइट जो है वो देना बहुत जरूरी है उनको। तो इसके लिए माँ बाप ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चे का टाइम टेबल बना ले ताकि वो किसी तरह से किसी चीज को एडिक्ट ना हो जाए, और वो अपने शरीर के को स्वस्थ रखने के लिए उनका समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। रात को सोना भी जल्दी बहुत जरूरी, रात को बच्चे 12-12 एक एक बजे तक सोते नहीं है। रात को अगर बच्चा 9-10 बजे अगर थक के सो जाए तो उसकी नींद पूरी हो जाए तो उससे कई बीमारियां दूर हो सकती है।